तो हेलो दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ गोला के मेन मार्केट के पास। और देखिए, मेन मार्केट के किनारे का जगह है जो सरयू नदी के तरफ निकलता है। और ये देख सकते हैं राइट साइड में जो भी ये धर्मशाला बना हुआ था, जहाँ पे वेट कर रहे थे लोग, वेटिंग एरिया था। यहाँ पे देखिए बिल्कुल पानी भर चुका। अभी हम पक्का घाट की तरफ निकल रहे हैं। और ये देखिए पक्का घाट आ गया। ये गोला बाजार का आप लोग को पता होगा पकवा घाट बोला जाता है, पक्का घाट। ये वहीं का नज़ारा आप देख सकते हैं, सामने पानी मतलब कितना बढ़ चुका है नदी में। और ये पीपल का पेड़ है। और जो जब मैं मेन रोड पे खड़ा हूँ, यहाँ से नीचे ना तकरीबन 500 सीढ़ियाँ हैं नीचे। जब गर्मी के टाइम पे यहाँ पे विजिट करते हैं ना लोग, तो यहाँ से कम से कम 15 फीट 20 फीट नीचे तक वहाँ पे नीचे बना हुआ है सीढ़ी, वहाँ पे नहाने का एरिया है। यहाँ दिखने का सब कुछ यहाँ पे डूब चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल ये मेन RCC है, मतलब बहुत ही ऊँचाई पर मैं हूँ। और यही बस बचा हुआ, आप देख सकते हैं नदी की चौड़ाई कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। और गर्मियों के टाइम पे तो बिल्कुल ये पानी नहीं रहता है यहाँ पे। और अभी देख सकते हैं नदी की चौड़ाई, देखिए आप, जो लोग यहाँ पे विजिट किए होंगे उन्हें पता होगा। और अभी हम बढ़ते हैं ना, जो पुल है, जो गोला से आजमगढ़ की तरफ पुल जो बढ़ रहा है, मैं बंदे पे ही हूँ, उसकी तरफ बढ़ता हूँ मैं और दिखाता हूँ वहाँ का क्या ही नज़ारा है। ये देखिए जो सौदा होता है, जो वो वाला घाट है, ये भी पूरा मतलब डूबा हुआ है। यहाँ पे देखिए बाइक वाइक लोग धुल रहे हैं, ऊपर ही पानी देखिए कहाँ तक आ गया। ये भी ऐसे बनाया गया है वेट करने के लिए, वेटिंग एरिया। और ये देखिए पुल, जो आजमगढ़ वाला पुल है, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, वहाँ से ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या नज़ारा है, चूँकि यहाँ पे ना एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बंधा बहुत ही ऊँचा है, इस वजह से पानी का लेवल आपको उतना नहीं पता चल रहा होगा, लेकिन पानी का लेवल ना बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है। पर पानी का लेवल ना लगातार बढ़ता ही जा रहा है ये। और ये अगल बगल के जो एरियाज है ना, जैसे बिसरा वगैरह में, यहाँ पे बिल्कुल पानी गांव में घुस चुका है। और ये यहाँ पे पुल के पास का ये हाल है। तो नदी में पानी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ये बरसात का पानी नहीं है, ये डैम के द्वारा छोड़ा गया पानी है। और देख सकते हैं नदी का क्या ही हालात है। पर यहाँ आस पास के गाँव में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। पानी डे बाई डे बढ़ रहा है, 8 इंच 10 इंच ऐसे बढ़ता ही जा रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली डेली ऐसी वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा। और ये गोला नदी है, जो सरयू नदी, इसका अपडेट आपको अपने चैनल पर बराबर देता ही रहता हूँ।